दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हरिद्वार में एक इंश्योरेंस एडवाइजर से हुई। वो इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे पास आया और मुझसे आकर बात करने लगा। उसने मुझे बोला कि सर, मेरे सामने एक ऐसा कस्टमर आया जो कस्टमर कहता है कि मुझे 70 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए और मैच्योरिटी पर मेरा पैसा 4 गुना भी होना चाहिए। ऐसा सवाल उसने पूछा जो सवाल कहीं ना कहीं हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जानना जरूरी है कि ऐसा कौन सा इंश्योरेंस कवर इंश्योरेंस प्लान है जिसमें कम से कम प्रीमियम पे करना पड़े और उसको 70 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिले जो उसकी पूरी लाइफ को प्रोटेक्ट करे, और इसके साथ साथ जब उसकी पॉलिसी मैच्योर हो तो मैच्योरिटी पर उसको जितना पैसा उसने जमा किया है उसका 4 गुना रिटर्न उसको मिले। ऐसा कौन सा प्लान होगा, वो आकर मुझसे पूछने लगा। तो दोस्तों, अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है, आपका कस्टमर भी आपसे पूछता है, या फिर आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आए कि कस्टमर आपसे पूछे कि मुझे 70 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए और मैच्योरिटी पर मेरा पैसा 4 गुना भी होना चाहिए, तो LIC में ऐसी कौन सी पॉलिसी है, तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने क्या होता है कि कस्टमर के सामने बैठकर, कस्टमर की जरूरत को भांपकर, उसकी जरूरत को समझकर, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग ही उसको प्लान बताया जाए। अब जो कस्टमर इंश्योरेंस एडवाइजर को बोल रहा है कि मुझे 70 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए और ऐसा प्लान चाहिए जिसमें मुझे मैच्योरिटी पर मेरा पैसा 4 गुना होकर मिले, अगर वो इंश्योरेंस एडवाइजर उस कस्टमर को जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, जीवन उमंग बताने लग जाए तो क्या वो कस्टमर पॉलिसी लेगा? जबकि उस कस्टमर ने साफ साफ बोल दिया कि अगर आपके पास ऐसा प्लान है तो मुझे बताइए, नहीं तो मेरे पास समय नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि कस्टमर क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप कुछ समय कस्टमर के सामने बैठकर उससे बात कीजिए, उससे जानिए उसकी सेविंग कितनी है, उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, उसके एक्सपेंडिचर क्या है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसकी फैमिली में अर्निंग पर्सन कौन कौन है, उसके पास कितनी लायबिलिटी है। ये सब हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को कस्टमर के पास बैठकर जानना जरूरी है, क्योंकि आप उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग तभी कर पाएंगे जब आप उसके बारे में डिटेल में जान लेंगे। आप उसकी इनकम के बारे में जानिए कि सर आपकी इनकम कितनी है, आपकी जो इनकम आती है उसमें से आप कितने पैसे खर्च कर देते हो अपने परिवार के ऊपर, कितनी आपकी EMI जाती है, घर की EMI, गाड़ी की EMI, आपके पास कितना पैसा बचता है, कितनी सेविंग आप हर महीने करते हो। ये सवाल हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को अपने कस्टमर से पूछना चाहिए। अब बात आती है उस इंश्योरेंस एडवाइजर की जो हरिद्वार में मुझसे मिला। उसने कहा कि सर, एक ऐसा सवाल मेरे सामने आया है जो सवाल मैं काफी लोगों से पूछ चुका हूं लेकिन किसी ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया है, और ये सवाल था 70 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए कस्टमर को। कितना चाहिए? 70 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए प्लस 4 टाइम्स उसको मैच्योरिटी अमाउंट चाहिए, मैच्योरिटी पेड अमाउंट का, जितना पैसा उसने पे किया है उसका उसको 4 गुना पैसा चाहिए। बस ये 2 चीजें कस्टमर ने बताई कि अगर आपके पास ऐसा कोई प्लान है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो मेरे पास समय नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको समझना जरूरी है कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं 70 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए और साथ में मैच्योरिटी अमाउंट भी चाहिए। अब अगर हम बात करें टर्म प्लान की, तो LIC का जीवन अमर प्लान है, तो जीवन अमर प्लान में मैच्योरिटी पर तो कोई पैसा नहीं मिलता है, राइट? उसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा मैच्योरिटी पे। तो आप उसको क्या कर सकते हो, यहां पर दोस्तों काम आता है अपने दिमाग का यूज कीजिए, दिमाग का यूज कीजिए, दिमाग की बत्ती को खोल के रखिएगा, राइट? जो कस्टमर ने पूछा उसको वही चीज दीजिएगा। अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आप मोबाइल के बारे में ही बात सुनेंगे। अगर कोई सेल्समैन आपको मोबाइल के बारे में आके बताएगा
तो आप सिर्फ मोबाइल की बात सुनेंगे। अगर आपको चाहिए तो मोबाइल और कोई आपको लैपटॉप आके बेचने लग जाए तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे? आप उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो कस्टमर को क्या चाहिए? 70 लाख का इंश्योरेंस। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कॉम्बिनेशन प्लान बना सकते हैं, राइट? यहां पर हम कॉम्बिनेशन प्लान बना सकते हैं। अब मेरा सवाल है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से कि जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो क्या आप कस्टमर को कॉम्बिनेशन प्लान बनाकर बताते हैं? मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कस्टमर को कॉम्बिनेशन प्लान बनाकर बताते हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, अगर नहीं बताते तो नो लिखिएगा। कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से ज्यादा, राइट? या तो दो या दो से ज्यादा प्लान को मिलाकर एक प्लान बनाना, वन प्लान, राइट? तो हम यहां पर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन समझना हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए जरूरी है। कॉम्बिनेशन हम यहां पर क्या बनाएंगे दोस्तों? पहला कॉम्बिनेशन हम यहां पर बनाएंगे दो प्लान को मिलाकर, जिसमें हम रखेंगे प्लान नंबर 914, राइट? LIC का प्लान है टेबल नंबर 194, जिसका नाम है न्यू एंडोमेंट प्लान, प्लान नंबर 914 हम कस्टमर को देंगे, जिसमें हम टर्म रखेंगे 35 इयर्स, और पॉलिसी टर्म कितनी है? 35 इयर्स। तो 914 प्लान में 35 साल की पॉलिसी टर्म होगी और 35 साल तक ही कस्टमर को प्रीमियम पे करना होगा, जिसमें हम यहां पर सम एश्योर्ड लेते हैं 45 लाख, 45 लाख का हम यहां पर सम एश्योर्ड लेते हैं, राइट? एक दूसरा हम प्लान लेते हैं इसमें, जिसका टेबल नंबर है, प्लान का नाम है जीवन अमर। प्लान कौन सा है? जीवन अमर। ये जीवन अमर प्लान, जिसमें जीवन अमर प्लान में हम क्या करेंगे, 35 साल का टर्म लेंगे, 35 इयर्स का टर्म लेंगे और सम एश्योर लेते हैं हम 25 लाख, 25 लाख। तो दो प्लान को मिलाकर हमने एक प्लान बनाया। अब यहां पर देखिए दोनों प्लान का जो प्रीमियम होगा वो कितना होगा, यहां पर हम लिख देते हैं प्रीमियम, तो जो प्लान नंबर 914 है इसका जो प्रीमियम होगा ये होगा 1,32,766 पर ईयर, राइट? ये अमाउंट उसको पे करना है। पहले साल ये होगा, दूसरे साल अमाउंट कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ GST। अब प्लान जो जीवन अमर है इसका प्रीमियम कितना होगा? इसका प्रीमियम होगा 11,181 का प्रीमियम होगा। तो हम दोनों का प्रीमियम भी अमाउंट जोड़ लेते हैं। ये प्लान नंबर न्यू एंडोमेंट प्लान यानी कि 914 और जीवन अमर, दोनों प्लान का प्रीमियम मिलाकर हमने एक प्लान बनाया। तो दोनों का प्रीमियम हम अगर यहां पे ऐड कर देते हैं तो प्रीमियम बैठता है 1,43,947 का प्रीमियम हमारा दोनों प्लान का होगा। और जो सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड हमारा हो जाएगा 45 लाख हमारा जीवन, कौन सा प्लान हमारा? न्यू एंडोमेंट प्लान का 45 लाख सम एश्योर्ड और जीवन अमर का 25 लाख। तो दोनों को ऐड करके 70 लाख का हमारा ये हो गया टोटल सम एश्योर्ड। दोनों प्लान को मिला के जो टोटल सम एश्योर्ड होगा हमारा ये होगा 70 लाख। अब जो कस्टमर की जरूरत थी, कस्टमर ने जाते ही क्या पूछा? कस्टमर ने जाते ही कहा कि मुझे ऐसा प्लान चाहिए जिसमें 70 लाख का इंश्योरेंस कवर हो। तो ये चीज हमारी फुलफिल हो चुकी है, 70 लाख का इंश्योरेंस कवर कस्टमर को मिल रहा है। दूसरा, कस्टमर ने कहा कि मुझे ऐसा प्लान चाहिए जिसमें जितना मैंने प्रीमियम पे किया है उसका 4 गुना मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। तो कस्टमर ने कितना टोटल अमाउंट पे किया है? ये तो ईयर का प्रीमियम है, हर साल उसको इतना पे करना है। अगर हम टोटल पेड प्रीमियम देखें, यानी कि टोटल, यानी कि 35 साल में टोटल कितना अमाउंट पे किया, 35 इयर्स में
टोटल कितना अमाउंट कस्टमर ने पे किया, तो ये पे किया कस्टमर ने 40 दोनों को मिलाकर 49,40,973, यानी कि लगभग कस्टमर ने 35 साल में 50 लाख रुपए का अमाउंट पे कर दिया, 49,40,000 उसने पे कर दिया। यानी कि कस्टमर ने दूसरा सवाल क्या किया, उसने कहा कि जितना मैंने अमाउंट पे किया उसका कम से कम 4 गुना मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। अब उसने लगभग 49 लाख पे किया, मान लेते हैं 50 लाख उसने पे किया, तो यानी कि उसको मैच्योरिटी पर 2 करोड़ से ज्यादा मिलना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा उसको मैच्योरिटी पर मिलता है तो कस्टमर आपसे पॉलिसी ले लेगा, राइट। अब हम देखते हैं कि पॉलिसी जब मैच्योर होती है मैच्योरिटी पर क्या मिलता है। देखिए, जो प्लान नंबर 914 है, न्यू एंडोमेंट प्लान, जिसमें 35 साल तक प्रीमियम पे करना है, 35 इयर्स तक प्रीमियम पे करना है, 35 साल के बाद जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पर कस्टमर को क्या मिलेगा देखते हैं। यहां पर मैच्योरिटी पे मिलेगा 2.19 crore, राइट। कितना मिलेगा? 2.19 crore। अब देखिए ये किसमें मिला हमें, टेबल नंबर 914 यानी कि न्यू एंडोमेंट प्लान में। अब जो दूसरा प्लान था जीवन अमर, क्योंकि जीवन अमर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो जीवन अमर में कोई भी पैसा मैच्योरिटी पर नहीं मिलता है। तो दोनों ही पॉलिसी 35 साल की है, तो 35 साल के बाद कस्टमर को मैच्योरिटी पर 2,19,00,000 रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है, जबकि कस्टमर ने पे किया है 49 लाख। तो यानी कि जो कस्टमर के सवाल थे दो, जो उसको चाहिए था मैच्योरिटी पे, वो दोनों चीज फुलफिल हो रही है। यानी कि उसको 70 लाख का इंश्योरेंस कवर भी चाहिए था, वो भी उसको मिल रहा है यहां पर, और उसको मैच्योरिटी पे जितना उसने पैसा पे किया है उसका 4 गुना भी उसको चाहिए था, वो भी उसको मैच्योरिटी पे 2,19,00,000 रुपए मिल रहा है। यानी कि जैसा कस्टमर ने मांगा ऐसा ही कस्टमर को हमने प्लान बनाकर दिया। कैसे दिया? सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन की मदद से। तो आपको भी अपने कस्टमर के पास जब आप जाते हैं, पहले कस्टमर की जरूरत को समझिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस टाइप का प्लान चाहता है। क्या वो कोई ऐसा प्लान चाहता है जिसमें सिर्फ उसका इंश्योरेंस कवर हो, या फिर वो कुछ ऐसा प्लान चाहता है जिसमें उसका इंश्योरेंस कवर भी हो और उसको बीच बीच में मनी बैक भी मिलता रहे, या फिर कस्टमर ऐसा प्लान चाहता है जिसमें उसका इंश्योरेंस कवर भी लंबे समय तक चले और उसको मैच्योरिटी पर कई गुना पैसा भी मिले। तो वो सब कॉम्बिनेशन आप बनाकर दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक ग्रुप पे, ताकि दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर भी समझ पाएं कि किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन प्लान बनाकर दे सकते हैं। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कीजिएगा। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए है कि अगर आपको कस्टमर नहीं मिलते हैं, और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कस्टमर ढूंढना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिर्फ इंश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, कहां पर जाना है आपको, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर यहां पर आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जिस एप्लीकेशन का नाम है अमित त्यागी, राइट। कौन सी एप्लीकेशन है? AMIT अमित TYAGI। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड अपने आप अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में बेनिफिट ये होगा कि आप वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे, गूगल एड चलाना भी सीखेंगे,
फेसबुक ऐड चलाना भी सीखेंगे और यूट्यूब पर अपने आप को कैसे ब्रांड बनाना है ये भी आप सीखेंगे, क्योंकि अगर आप अपने आप को ऑनलाइन लाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आना ही होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, आप जरूर इस साल MDRT CUET TUET करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।